नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। गृह मंत्री अमित शाह आज सतना आएंगे। खजुराहो से मैहर पहुंचकर मां शारदा की पूजा अर्चना करेंगे। मैहर से हेलीकॉप्टर से सतना हेलीपैड आएंगे। मेडिकल कॉलेज व सबरी महोत्सव में कोल आदिवासी सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एडीजीपी ने पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की, जिसमें डीआईजी से लेकर डीएसपी रैंक के अफसर मौजूद रहे। गृह मंत्री के कार्यक्रम का संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मा एडीजीपी के ही पास है। वहीं मैहर में वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंदौर के एसीपी क्राइम राजेश हिंगड़कर को सौंपी गई है। तीनों हेलीपैड में भी 1-4 की गार्ड लगा दी गई है। मैहर में 1000 जवान नियुक्त किए गए हैं, जबकि लगभग 3000 जवान जिला मुख्यालय में लगाए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के हर स्थल की कमांड डीआईजी रैंक के ऑफिसर को सौंपी गई है। हवाई पट्टी स्थित सभा स्थान में बैगेज स्कैनर और कैमरा कंट्रोल व्हीकल भी तैनात किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होंगे। पहली कमान सीआरपीएफ के हाथों में होगी, दूसरे घेरे में एसएफ और बाहरी घेरे में कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी एमपी पुलिस के पास रहेगी। गृह मंत्री की सुरक्षा को लेकर विशेष सशस्त्र बल की 20 कंपनी भी बुलाई गई हैं। इसके अलावा 6 डीआईजी, 14 अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी, 35 एडिशनल एसपी, 100 डीएसपी और 100 इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। Thank you.